यही हम लोग के पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, और जो आज मंदिर पर आए हैं इनको हम लोग बुलाए हैं, और इनसे हम लोग इनके हाथ से पूजा का कार्यक्रम हम लोग कराएंगे। आज 13 तारीख है, 13 नवंबर, जो अक्षय नवमी है, और महावीर जी का मंदिर है, प्लस इसी में कुटिया भी है, और नागाबा का यहाँ पर आश्रम भी है पुराना। नागाबा जो थे वो स्वर्गवास हो गए, और उनके नाम पर यहाँ पर जो लोग रहते हैं भक्ति भाव आस्था जुड़ी रहती है। आज हम लोग रामायण का जो कार्यक्रम है यहाँ पर स्टार्ट होगा वो अक्षय नवमी के उपलक्ष्य में है, और जो आंवला का पूजा पाठ होता है, महिलाएं और बहनें जो कार्यक्रम कर रही हैं 1 महीने से, आज लास्ट दिन है, उनके उपलक्ष्य पर रामायण कराएंगे। जो दादाजी थे उनके उपलक्ष्य में वो उनका सहयोग है भरपूर, हम लोग का भी साथ है इसमें। मेरे वीडियो बने रहें और देखते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, आगे भी मैं वीडियो पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय
विश्वेशं माधवं डुंडीं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः मंगलमूर्तये नमः प्रार्थना नमस्कारं सुप्रियामि। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवत महापुरुषस्य विष्णुराज्या प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो हिरण्यद्वितीय प्रारब्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गत अयुक्त वाराणसी क्षेत्रे गाजीपुर जनपदे सुल्तानपुर ग्रामे निवासिन नागाबाबा कुटिया अस्थाने 2078 आनंद नामाब्द संवत्सरे याम्यायन शरद ऋतु कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे नवम्यायां तिथो तदुपरांत दशम्यायां तिथो शनिवासरे नीतायाम अमुगोत्रपन्न हम अपन भक्त अहम ममोपाध्यक्ष द्वारा श्री परमेश्वर प्रत्यर्थम बोले अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त मम श कुटुंबस्य श परिवारस्य क्षेम स्थिर आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम आदिक दैहिक भौतिक त्रिविध ताप शमनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्राप्तार्थम मम नित्य कल्याण लाभाय समस्त ग्राम वासिन सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम कल्याणम हेत्वे अहम श्री नागा बाबा कुटिया अस्थाने श्री गौरी गणेश वरुण नवग्रहादि नवासन देवता पूजनम तदं गत्वेन श्री राम चरित मानस पाठ आरंभ यथा समय यथा काले यथा ज्ञानेन यथा उपलब्ध सामग्री द्वारा का संपूर्ण मंगल होना इसे का रहे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी इति संपुटेन पाठ आरंभ हेतु संकल्प अहम च करस्य छुटि ओम जागरदो दूरम दैति दैवम तदुस्ता शादकैव दूरम गमं ज्योतिधाम ज्योतिरेकां तनमे मरह शिव संकल्प भवतु सुभवतु सुभवतु शुक्लपः शुभम भवतु संकल्पः। ओम भवदीपादे वस्त्रोपम कर्म साक्षी हविनिकृत यावत कर्म समाप्तिन तावत निष्ठुरो भरतु दिव देवता भ्यो नमः पंचवत कदस्त पुष्प पुष्पाणि सुभयामि। हरि ओम माघानन्द गणपति गुंघवामहे प्रियानन्द प्रियपति गुंघवामहे निधिनन्द निधिपति गुंघवामहे वसो मम अहम जानी गर्भध्वमा त्वमजासि गर्भधम्म ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कशरा सुशत्रका सुभद्रिकान्तं पीलभासनिम् गजाननम् जम्बू फल चारु भाषणम्
भद्राय नियता प्रणता अश्मताम ओम कलशस्य मुखे विशो कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्तो ब्रह्मा मदे मातृगणमस्मृतः कूचो तु शाग्रः सर्वे शब्ददीपान सुन्दरः ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो हात्मृणङ्गस्य सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रितः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरे तथा आयन्तु देवपूजार्थं दूरशाकारकः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वते नर्मदे सिन्धु कावेरी जले सन्निधो कुरु सरे समुद्र तीर्थानि जलदानदः आयन्तु मम साधु शुकारकः ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरातकारी भानु ससेव मिषतो बुधश्च गुरु च सुग्रह शनिराहुकेतव शरवे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु गुरु शनि शनिकाभ्यां नमः वरुण देवता भ्यो नमः नवराज देवता भ्यो नमः प्रातः नमस्कारं समर्पयामि आवाहन्ते अष्टपुष्पाणि समर्पयामि।